Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about coronavirus. But before we discuss about coronavirus, we should know what is virus. Viruses are unique creatures which are specific in their action. Every virus has a specific target cells. Now let's come to coronavirus. What is coronavirus? Coronavirus is also a kind of virus which has its target cells in human lungs, which is called alveolar. अब हम उर्दू में कुछ बात करेंगे, आपको ये बताएंगे कि ये ख़तरनाक क्यों है और ये फैलता कैसे है। ये ख़तरनाक इसलिए है कि क्योंकि ये बहुत ईजीली फैलता है, स्नीजिंग की वजह से, कफिंग की वजह से या हाथ मिलाने की वजह से ये फैलता है। और इसका सिस्टम ऐसा है, फॉर एग्ज़ाम्पल, if it attacks in a person and he has a strong immune system, so it will not damage him or it is not dangerous for him. Lekin agar us bande se ye kisi aur ko phailta hai aur uska immune system strong nahi hai, weak hai, to uske liye bahut khatarnak hai. Ye un logon ke liye khatarnak hai iske symptoms jo hote hain wo maine already aapko bata diya, jo start se hote hain, initial symptoms hote hain wo कफिंग, गले में तकलीफ़ होता है इंसान को, उसके अलावा स्नीजिंग और बुखार, फीवर होता है, और इसके अलावा ये इसके इफ़ेक्ट्स है। तो वाई वी स्टे एट होम, बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी टू स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, देयरफॉर वी शुड टेक केयर आवर सेल्फ एंड एज वेल एज आवर फैमिलीज। As I told you, it is very easy to spread from one to another person. बहुत आसानी से ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाता है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, या तो स्नीजिंग की वजह से, या फिर कफिंग की वजह से, या फिर शेकिंग की वजह से, या अगर हमारी बॉडी किसी के साथ भी टच हो जाए तो ये फैल जाता है। तो इसके लिए बेस्ट वे क्या है, पूरी दुनिया में ये फैल रहा है, तो इसके लिए बेस्ट वे ये है कि हम घरों में रहें, बाहर न जाएं। अगर इन केस किसी काम से बाहर भी जा रहे हैं तो बहुत मतलब ख़ुद को सेव करके जाएं, सिक्योर करके जाएं, जो तरीके हमें बताए गए हैं वो अप्लाई करके हम जाएं। ऑलवेज वी शुड हैव सैनिटाइजर्स, और सैनिटाइज़र के अलावा, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम हाथ धो रहे हैं तो 20 सेकंड के लिए धोने चाहिए। तो अगर हम ख़ुद का ख्याल रखेंगे, ख़ुद भी सेव होंगे, इसके अलावा हमारी फैमिली भी सेव होगी। मेन मसला इसका क्या है कि अगर वो लोग जो एज्ड है, 60 साल के हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत वीक होता है, तो उसके लिए बहुत ख़तरनाक है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंस, तो उसके लिए भी ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। तो अगर आप चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोरोना वायरस है भी और आप सिम्टम्स आपके नहीं है, इसलिए क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आपकी वजह से आपकी फैमिली में किसी ऐसे इंसान को जाए जो एज्ड है, जिस तरह हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर या छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको ये ट्रांसफ़र हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए, तो हमें तो कुछ नहीं होगा, वी विल बी सेफ, बट इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर दोज पीपल हु आर एज मोर देन 60 ईयर्स और हु आर स्मॉल। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। कोरोना वायरस से बचे, घरों में रहें, जो हमारी हुकूमत बता रही है उनको फॉलो करना चाहिए, एंड होप दैट यू विल सेव योर सेल्फ। दैट वॉज अ शॉर्ट वीडियो अबाउट कोरोना वायरस। होप यू गॉट इट। थैंक यू सो मच।